हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करते हैं एक्सेलरेटर सीरीज़ के अंदर, और आप लोगों के सामने हाजिर हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 को लेकर। आइए अपना कॉन्सेप्ट नंबर 3 बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि थर्ड कॉन्सेप्ट में हमें क्या बात करनी है। स्टूडेंट बच्चों, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने एरर के कॉन्सेप्ट की बात की थी और दो प्रॉब्लम्स आपको एरर के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों ने बताई थी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा स्टूडेंट, ओके। आइए तो आज हम लोग अपने थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और देखते हैं कि थर्ड कॉन्सेप्ट में आज हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं। बच्चों देखिए स्टूडेंट, थर्ड कॉन्सेप्ट अपने पास में ये है बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 3, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय। भैया अगर हम एक टाइम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उसका सीधा सा फॉर्मूला हमारे सामने ये आता है, T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट L अपॉन G। कैपिटल T टाइम पीरियड, L लेंथ ऑफ थ्रेड और G है भैया हमारे पास में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए कि आपको गिवन क्या दिया गया है और क्या आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ये थोड़ी स्टूडेंट हमारी स्पेशलिटी है कि भैया हम प्रॉब्लम को अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं यहाँ पर कस्टमाइज करके, और फिर आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। देखिए स्टूडेंट, परसेंटेज एरर इन लेंथ 4% एंड परसेंटेज एरर इन टाइम 2%। देखिए स्टूडेंट, हमें गिवन दिया गया है परसेंटेज एरर इन लेंथ 4% एंड परसेंटेज एरर इन टाइम इज 2%। फाइंड द परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी। आपको जो प्रॉब्लम दी गई है बच्चों, इसमें ग्रेविटी के अंदर परसेंटेज एरर आपको फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं कि कैसे हम ग्रेविटी के अंदर परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे। देखिए एरर का एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि जिसके अंदर आपको परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है ना स्टूडेंट, उस ग्रेविटी को आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और उसकी पावर 1 होनी चाहिए। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एरर का, जो आप लोगों से आना ही चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे यहाँ पर आपको ग्रेविटी के अंदर परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करना है तो ग्रेविटी को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और ग्रेविटी की पावर 1 होनी चाहिए बच्चों। तो हमने एक काम किया स्टूडेंट, हमने बोथ साइड का स्क्वायर किया। जैसे ही बोथ साइड का स्क्वायर किया गया तो ये बना टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² एल अपॉन ग्रेविटी। अब आप देखिए बच्चों कि आपको जो परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है वो ग्रेविटी में करनी है। ग्रेविटी को यहाँ पर लेकर जाएंगे, ग्रेविटी इज इक्वल टू 4π² एल अपॉन टी स्क्वायर। ये कंडीशन हमारे सामने बनेगी। मैं इसे एरर के फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करूँ बच्चों, एरर का जो टर्म है उसमें मैं इसे लेकर जाऊँ, उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ग्रेविटी की एरर हमें निकालनी है, ग्रेविटी की एरर जो पावर है वो 1 है या नहीं है। हाँ डेफिनेटली ग्रेविटी की पावर 1 है, अब हम लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग ग्रेविटी को लिखेंगे स्टूडेंट, डेल्टा जी परसेंटेज इज इक्वल टू 4 और पाई स्क्वायर अपने पास में कांस्टेंट है बच्चों, तो 4 और पाई स्क्वायर को यहां से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट के अंदर कोई भी एरर नहीं है बच्चों, 4 पाई स्क्वायर में कोई एरर नहीं है। तो एरर निकालते समय कांस्टेंट को एलिमिनेट आपको यहां से कर देना है। अगर मैंने 4π² को यहाँ से एलिमिनेट किया तो मेरे पास में L और टाइम बचता है बच्चों, तो मैं L को लिख सकता हूँ स्टूडेंट डेल्टा L परसेंटेज, T की पावर 2 है, 2 को सामने लेकर आएंगे, ये बनेगा डेल्टा T परसेंटेज और बीच में रहेगा प्लस। प्लस आपको पता है क्योंकि एरर की हमें मैक्सिमम और पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसीलिए डिनोमिनेटर में कुछ भी हो मैटर नहीं करता है। T की पावर 2 है, सिर्फ पावर को आगे रखना है और T को लिख देना है डेल्टा T परसेंटेज। आइए देखते हैं कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सो डेल्टा G परसेंटेज इज इक्वल टू बच्चों, डेल्टा L हम लोगों को दिया गया है 4% प्लस 2, डेल्टा T परसेंटेज हमें दिया गया है 2%। प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे एंड द फाइनल आंसर इज 8%। सो परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी इज 8%, जो हम लोगों को प्रॉब्लम दी गई है बच्चों और जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो उसमें हम लोग देखें तो ग्रेविटी में 8% की एरर है। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट मैं आपको दो बातें बतानी चाहता हूं। पहली बात तो ये कि फॉर्मूला आपके सामने है,
टाइम और लेंथ के अंदर एरर आपको गिवन है, ग्रेविटी में आपको एरर निकालनी है। सबसे पहली बात, जिसके अंदर आपको एरर निकालनी है वो अकेला लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और उसकी पावर 1 होनी चाहिए। तो कॉमन एल्जेब्रा का यूज़ करते हुए या कॉमन कैलकुलेशंस का यूज़ करते हुए ग्रेविटी में एरर आपको निकालनी है, तो ग्रेविटी को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा और बाकी के सभी टर्म्स को मैंने राइट साइड में स्टूडेंट कुछ इस तरीके से रखा, और फिर मैंने इसके अंदर एरर का कॉन्सेप्ट लगाया। ग्रेविटी की पावर 1 है, सो डेल्टा जी परसेंटेज 4 और पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एलिमिनेट हमने यहाँ से किया। एल की पावर 1 है तो हमने एल को लिखा डेल्टा एल परसेंटेज, टी की पावर 2 है तो मैंने लिखा 2 डेल्टा टी परसेंटेज। वैल्यू को पुट करके ये फाइनल आंसर स्टूडेंट हमारे सामने बनेगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम की बच्चों हम बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, कॉमन फार्मूला, 10th क्लास लेवल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एरर पे हम काम कर रहे हैं बच्चों। सो ये कंडीशन स्टूडेंट हमें दी गई है और हमें कहा गया है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, और इसके साथ कुछ हमें गिवन दिया है बच्चों। गिवन क्या है थोड़ा सा आप समझेंगे, V इज इक्वल टू 2 ± 0.1 वोल्ट, और करंट की वैल्यू है बच्चों अपने पास में 1 ± 0.02 एम्पीयर। देखिए स्टूडेंट, की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये डेटा गिवन दिया गया है, मुझे परसेंटेज एरर निकालनी है, तो कैसे मैं परसेंटेज एरर निकालूंगा। सबसे पहले ये देखिए कि परसेंटेज एरर मुझे आर में फाइंड आउट करनी है, आर की पावर 1 होनी चाहिए और 1 है, पहले से ही 1 है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और पहले से वो लेफ्ट साइड में भी है। तो R को मैं लिख पाऊंगा बच्चों डेल्टा R परसेंटेज इज इक्वल टू V टू दी पावर भी 1 है और I की पावर भी 1 है, भले ही अपॉन में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो V को मैं लिख पाऊंगा बच्चों डेल्टा V परसेंटेज प्लस, और I को मैं लिख पाऊंगा डेल्टा I परसेंटेज, भले ही अपॉन में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उसकी पावर है वो सामने आ जाएगी और प्लस में हम लोग कुछ इस तरीके से लिख देंगे पावर को कैलकुलेट, एरर को कैलकुलेट करने के लिए। देखते हैं कि डेल्टा V परसेंटेज कितना होने वाला है स्टूडेंट। डेल्टा V परसेंटेज इज इक्वल टू बच्चों डेल्टा V यानी वोल्टेज के अंदर परसेंटेज एरर निकालने का तरीका है, इसे बोलते हैं एरर वैल्यू, और ये है हमारे पास में ट्रू वैल्यू। एरर वैल्यू यानी 0.1 को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर इज 5%। और अगर मुझे करंट के अंदर परसेंटेज एरर निकालनी है स्टूडेंट, तो कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। एरर वैल्यू 0.02 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 एंड द आंसर इज 2%। परसेंटेज एरर इन वोल्टेज इज 5%, परसेंटेज एरर इन करंट इज 2%। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, सो रेजिस्टेंस के अंदर परसेंटेज एरर हमारी बन जाएगी बच्चों 7%। सो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस इज 7%। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट हमारे सामने रहने वाली है बच्चों। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट एरर के 2 कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर हम एरर के कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ एरर की कंडीशन को कंप्लीट कर दिया जाए और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे आप लोगों को बताए जाएँ कि जिसके बाद आप एरर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ और सभी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएँ। उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये छोटा सा सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।